आज कत्ल करने का इरादा है क्या? कत्ल होने को तैयार हो तो वो भी कर देंगे। हम तो कब से अपनी कब्र खोद के रेडी है, बस बीच में डर लग जाता है कि कहीं दादी आकर लाश ठिकाने ना लगा दे। डरो मत, ऐसे टाइम पे दादी नहीं आएगी। ओके दरवाजा तो बंद था, फिर ये आतंकी अंदर कैसे घूम रहा है? ओरे दरवाजे, कह दे रे मेरे दामाद से, मैं तो बाथरूम यूज करने आई थी पर इसने तो कुंडी लगाई ही नहीं। कुंडी तो नवाब साहब लगाते थे। अगर ढंग से कुंडी लगाई होती ना नवाब ने, तो आज ये खूंखार जानवर यहाँ नहीं घूम रहा होता। संजू, मम्मी पे क्यों भड़क रहे हो? भड़क रहा हूँ मैं? ये कुछ नहीं है जो मैं भड़क रहा हूँ, जो तुम्हें दिख रहा है कुछ भी नहीं है। ये अंदर से मैं भुन गया हूँ, जल गया हूँ मैं। पूछियो रे इनसे, ये हमारे बाथरूम में क्यों जा रही थी? बाथरूम में क्यों जाते हैं संजू? अरे मुझे पता है सब, बाथरूम में क्या करते हैं सब पता है मुझे। हमारे बाथरूम में क्यों जा रही थी? बाहर बाथरूम बनवाया ना, यहाँ क्यों आई है? सच सच बताओ, सच सच बताओ, पति पत्नी के बीच में क्या चल रहा है? ताका झाकी करने में बहुत मजा आता है ना आपको? ताका झाकी तो नवाब साहब किया करते थे। मम्मी, वहीं से सीखा ये सब, उसी नवाब ने सिखाया सारे उल्टे सीधे काम। एरे पलंग, कह दे रे मेरे दामाद से कि मुझे ताका झाकी करने का कोई शौक नहीं है, वो तो बाहर वाले बाथरूम में पानी खत्म हो गया था तो मैं यहाँ चली आई। यहाँ के सारा पानी पानी कर दिया, पूरा आईडिया में पानी फेर दिया आपने। जाओ जाके सो जाओ, क्या बेताल पच्चीसी चल रही है क्या? यहाँ मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, उसका कुछ नहीं है, पानी खत्म हो गया था। संजू, मम्मी अब चली गई ना, शांत हो जाओ ना। हाँ तो चली गई तो कौन सा चली गई, घर छोड़ के? घर छोड़ के चली जाए ना तब मुझे शांति मिलेगी, ये तो गई है बगल वाले कमरे में, क्या भरोसा कभी भी आ जाएगी बाहर। ए रे कंगी, बाल कहाँ है? ए रे टकले, तेल कहाँ है? दुनिया जमाने की बात करा लो बस इनसे फालतू की, और ये नहीं आई तो तुम्हारा वो फालतू भाई आ जाएगा फालतू की बकवास बात करने के लिए यहाँ पे। जीजा ऑफिस में कितने बजे जाएगा? रे जीजा, तू सोया नहीं अभी तक? मैं सो गया हूं, बहुत गहरी नींद में हूं, मैं खराटे ले रहा हूं। जीजा तू गहरी नींद में, तो कोई बात ना सो जा, बस मन्ना यू बता दे सुबह ऑफिस कितने बजे जावेगा तू। माल कर रहा, इब तो रात हो रही, मैं तो सुबह की पूछ रहा। चला जा वरना रातों रात तेरा खून हो जाएगा। अरे जीजी, मम्मी आई थी के? अरे थारी की, वो ही दबा गई जीजा का बटन, तभी भड़क रहा। क्या क्या कर रहे हो संजू? कपड़े बदल रहा हूँ मैं, नहीं पहननी मुझे कुछ लुंगी फुंगी। मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? कुछ नहीं सुनूंगा मैं, कुछ नहीं सुनूंगा, सिर्फ तब सुनूंगा जब तुम और मैं दोनों अकेले में होंगे। आज से, अभी से आई नीड प्राइवेसी, मुझे प्राइवेसी चाहिए। Wow, that's lovely, Arya. और बताओ, how's Canada treating you? How's the weather there? मुझे तो boring ही लगता है यार। तो एक काम कर ले, एक boyfriend बना ले। जब तुझे love हो जाएगा ना, तो तुझे weather भी lovely लगेगा। यार एक Indian लड़का है तो सही, कृष्णा।
पर वो मेरी तरफ देखता तक नहीं। ओह, इसका मतलब वो इंटेलिजेंट भी है। आई किल यू संजना। सॉरी सॉरी, जस्ट किडिंग। यू नो, कैन आई सजेस्ट यू समथिंग ऑनेस्टली? तू प्लीज ना अपना ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सा चेंज कर ले, थोड़ा सुधार ले अपने ड्रेसिंग सेंस को। एक हॉट सी ड्रेस खरीद ले और उसे पहन ले। फिर अब मैनू ना कल नींद नहीं आ रही सी, बड़ा डर सा लग रहा था। तू बात कर, मैं तेको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, देख चुपचाप बैठी हूँ। ओ हेलो, हॉट ड्रेस पहन के करना क्या, ये तो बताओ। मंदिर चली जा। हॉट ड्रेस पहन के मंदिर? हाँ, मतलब वहीं तुझे शांति मिलेगी ना। शांति नहीं, कृष्णा जी। हाँ, तो वही तो बता रही हूँ मैं, कृष्ण भगवान को पाने का रास्ता ही बता रही हूँ मैं। तू बस मंदिर चली जा और वही तुझे मिलेंगे, और भक्ति से बस कर ले, तू मिल जाएंगे। ले, कृष्ण भगवान जी को ढूंढने के लिए मंदिर में जाने की क्या लोड़ है? कृष्ण भगवान जी बांसुरी वाले तो हमारे दिलों में रहते हैं। गीता नहीं पढ़ी तूने कभी? एक मिनट। हाँ रिया, जस्ट अ सेकंड। बुआ जी, मैंने पढ़ी है, लेकिन मेरी जो सहेली है रिया, वो कनाडा में होती है, तो वहाँ से कहाँ टाइम मिलेगा गीता वीता पढ़ने को? तो वो ले, मेरी बात करा इससे। नहीं नहीं, मैं उसे समझा दूंगी। नहीं, तेरी बात नहीं समझ आनी उसको, मेरे को दे फोन। ले आ दी। नहीं नहीं, ओए होए दी तसे। हेलो, मैं संजना की बुआ जी बोल रही हूँ। हाँ, जींदी रह कुड़ी है, की हाल है? ले, मैं कह रही थी तू इसकी बात छोड़, मेरी बात सुन। तू ना गीता पढ़ ले, लाइफ तेरी ओके हो जानी है, एकदम सेट। लेकिन आंटी, अरे तू यकीन नहीं करेगी कुड़िए, मैं तो ऐसी ऐसी गल करती हूँ कि बड़े बड़े ज्ञानियों के पल्ले नहीं पड़ती, बस बल्ले बल्ले कह के चले जाते हैं। रिया, कभी ये हाल हो रहा होगा, कैसे बचाऊं यार उसे। हाँ बाबा, हाँ बा, ओके ओके, आई विल सेंड बुआ। बुआ जी, पापा बुला रहे हैं आपको। मेरे तो कोई आवाज नहीं आई। आप फोन पे बात कर रही थी ना, आपको कैसे सुनाई देगा? बुआ जी जाइए ना, कुछ अर्जेंट होगा ना। मैं कोई बोली थोड़ी है दस कि मेरे कान में आवाज नहीं पड़ी, कोई तो ब्लेल पड़ती मेरे कान में। चलो कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ, वापस आऊंगी, ठीक है? मैं डर जा बहुत लग रहा है आज। सतनाम श्री वाहेगुरु। काका की है? रिया, आई हेट यू संजना। ओके लिसन, आई कैन एक्सप्लेन, सीरियसली आई कैन। आई डोंट बिलीव दिस, व्हाई कांट शी लीव मी अलोन? गुड मॉर्निंग मैडम। हेलो, आ गए? मे आई कम इन मैडम? कम इन मिस्टर सर्जन। मैडम कहाँ चली गई? मैडम आप टेबल के नीचे क्या कर रहे हैं मिस्टर सर्जन? वो मैं डस्ट डस्ट चेक कर रहा था, धूल मिट्टी तो नहीं आ गई है? साफ सफाई रहनी चाहिए ऑफिस में मैडम, मैं काफी साफ सफाई पसंद इंसान हूँ, मैंने हाथ की सफाई भी 4 बार देखी। ये आपने मुझे वैसे टिफिन लेके और क्यों बुलाया मैडम? बैठिए मिस्टर साजन। क्योंकि बहुत दिनों से हमने एक साथ कुछ नहीं किया। आई गेस आप लंच की बात कर रही हैं मैडम। यस मिस्टर साजन।
टुडे वील डू लंच विद अ ट्विस्ट। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपने हाथों से अपना टिफिन खिलाएं और मैं आपको अपने हाथों से अपना टिफिन खिलाऊंगी। ऑफ कोर्स मैडम, श्योर, गो ऑन। लेट्स गो अहेड, शुरू कीजिए। आह, माय फेवरेट। वंडरफुल। Your favorite, Mr. Sajjan. No, Mr. Sajjan, stop it. Stop it, Mr. Sajjan. क्या कर रहे हैं आप? नहीं वो आपने लंच के लिए बुलवाया ना मैडम, तो खाने का नाम सुन के भूख इतनी लगी हुई थी कि चटकारे पहले ही आ गए। प्लीज मिस्टर साजन, वैसे भी कल पूरी रात मैं सो नहीं पाई हूँ। आई एम जस्ट सो स्लीप डिप्राइव्ड। अब आप मुझे और इरिटेट मत कीजिए, जस्ट प्लीज। ऐसा क्या हो गया मैडम कि आप पूरी रात नहीं सो पाई? क्योंकि कल मेरे साथ मेरी बुआ सो रही थी। थैंक गॉड बुआ थी। इसके लिए आप थैंक गॉड क्यों बोल रहे? नहीं, मैं थैंक गॉड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थैंक गॉड की सिर्फ आपकी बुआ थी मैडम। मेरे यहाँ पे तो मैडम मेरे बेड पे कभी भूपेश, कभी सासू माँ, कभी कश्मीरा की दादी, कोई ना कोई आता रहता है। काफी क्राउडेड बेड है मेरा। मेरा भी कल भी ऐसे ही हुआ मेरे साथ। मेरा यही हाल है, सेम आपका वाला। मैं भी आपको थका हुआ लग रहा हूँ ना मैडम। आप मुझे रोज ही थके हुए लगते हैं मिस्टर साजन, व्हाट्स न्यू इन दैट? और ये क्या प्रॉब्लम है आपकी? कितनी सिंपल सॉल्यूशन है मिस्टर साजन, आप दरवाजा अंदर से लॉक क्यों नहीं कर लेते? ना कोई अंदर से बाहर जा सकता है, ना कोई बाहर से अंदर आ सकता है। वंडरफुल आइडिया मैडम, क्या दिमाग चलता है आपका मैडम। कभी कभी तो मुझे प्राउड फील होता है कि मैंने आपको बॉस रखा हुआ है। लेट मी रीफ्रेज दैट फॉर यू मिस्टर साजन, मैंने आपको एज एन एम्प्लॉय रखा हुआ है। ओह यस यस रियली, या सॉरी मैडम। लेकिन मैडम आपकी प्रॉब्लम के लिए भी मेरे पास एक इंटेलिजेंट आइडिया है। शेयर इट। आइडिया ये है मैडम कि अगली बार जब आपकी बुआ आपके साथ सोने आए तो आप इतनी जोर जोर से खराटे मारिएगा कि वो परेशान हो जाएं और अगली बार आपके रूम से 5 किलोमीटर दूर रहें। Yes, Mr. Sajjan. That's a brilliant idea. Yes. वैसे आपका दिमाग काफी तेज चलता है। Thank you, madam. ऊपर वाले का आशीर्वाद है बस, मैंने तो कभी घमंड नहीं किया। संजू, गुल खिलाने की तैयारी कर रहा हूँ। अब जब गुल खिलेगा तो खुशबू तो फैलेगी ना बेबी। तो ना संजू कोई आ जाएगा। मैंने दरवाजा लॉक कर दिया। शी, मम्मी और भूपेश क्या सोचेंगे? यार ये भी हम सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे? उनको जो सोचना है सोचने दो, मुझे तुम प्यार करने दो। अब मोहब्बत की ऐसी हवा फैलेगी ना कि तुम सातवें आसमान पे हो। संजू, नाम नहीं, नाम मत लो, सिर्फ सांसों को सांसों से बात करने दो। अरे दरवाजे, कहियो रे कश्मीरा से तुझे खोल दे। यार मैंने सांसों से सांसों को बात करने की बात कही और यहाँ पे सांस आ गई है। संजू दरवाजा खोलो ना। नहीं, आज सिर्फ मेरे दिल का दरवाजा खुलेगा, बाकी कोई सा नहीं। खटखटाने दो उनको, तुम सिर्फ मुझे देखो। एरे एरे एरे। ऐसे सोचो बाहर कोई नहीं है। यार सॉरी यार, यार मैं भी क्या कर रही, उन्होंने मेरे हाथ से फोन छीन लिया, अब कितने बार सॉरी बोलूं? अच्छा वो सब छोड़,
मुझे बता कृष्ण ने नोटिस किया? या आज उसने मेरी तरफ देखा और पूछा। वाओ रियली, क्या पूछा बताओ? यही कि टाइम क्या हुआ है। दैट्स इट? फिर कुछ और भी तो पूछा होगा यार, सब बता यार खुल के। हाँ तो किसी से बात कर रही है? वो रिया मेरी कल वाली फ्रेंड। अच्छा। हाँ, आपसे ये बात करने के बाद वो बस गीता के प्रवचन ही सुन रही है और कुछ सुन नहीं रही है। कह रही थी कि मुझे भी सुनाएगी। दस चलिया कुड़िया, तुम लोग जवान कुड़िया हो, कोई मुंडे शुंडे, कोई लव शब, कोई शादी वादी की बातें करो। ये कोई बातें करने वाली है? गीता का ज्ञान ना मंदिर की बातें। सुना संजना, तू आंटी को फोन मत दे यार। तू कर उनकी कंपनी एंजॉय, मैं गीता पढ़ने जा रही हूँ। अरे क्या बात कर रही है, वेट वेट डोंट गो। वन फोन काट दिया। गॉड, मुझे बुआ से बात करनी पड़ेगी। नो नो, या यू राइट एक्चुअली रिया, या एक्चुअली मुझे भी बहुत नींद आ रही है। या कल बात करते हैं। ओके बाय, गुड नाइट। तू भी ना अपने प्यो की तरह चल्ली की चल्ली रहेगी। कनाडा में दोपहर के 2 बजे गुंडेट कह रही है बेवकूफ। हाँ सॉरी बुआ जी, एक्चुअली अगली बार ध्यान रखूंगी मैं। ओके गुड नाइट। ले चलो, मैं लाइट बंद कर दूं बुआ जी, इफ यू डोंट माइंड। एक्चुअली मुझे लाइट और शोर में नींद नहीं आती है। हाँ हाँ बिल्कुल कर दे। तेरे को पता है मेरे को भी ना नेरे में नींद आती है, लाइट में मेरे को नींद बिल्कुल नहीं आती है, और मुझे कोई आवाज करे ना तो मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होता, और कोई बहुत ही आवाज करे ना मैं ना ढूंढ डांट के एक जुराब लाती हूँ सड़ी पुरानी वो वाली, उसके मुंह में ठूस देती हूँ। या ओके या गुड नाइट। आई नो आपको बिल्कुल कंपटीशन पसंद नहीं है बुआ जी, लेकिन आज मैं स्नोर कर करके आपको परेशान कर दूंगी। और सुनना, मैं भी ना लाइट बंद करके सोती हूँ नेरे में। बस अपना मुंह बंद नहीं करती, मैं भी अपना प्लान शुरू कर देती हूँ। अच्छा हुआ ना मैंने दरवाजा नहीं खोला, वरना बात यहाँ तक पहुंचती नहीं। समझू, मुझे शर्म आती है। हाय, तुम्हारी इन्हीं अदाओं पे तो मुझे बड़ी जोर की मोहब्बत आती है बेबी। बचाओ, बचाओ! अरे यार ये ना गोल मटोल मुसीबत हमेशा गलत वक्त पे लुढ़कते हुए आ जाती है यार। जल्दी दरवाजा खोलो ना, मुझे लगता कोई चोर तो नहीं घुस गया। चलो। क्या हुआ मम्मी, क्यों चिल्ला रही थी आप? और ये भोपू, भोपू के पेट में किसी ने चाकू घोप दिया क्या? अरे नीजी जी, हमारे पेट में ना बहुत जोर से दर्द हो रहा, रास्ते में ना गोलगप्पे वाला एक गोलगप्पे के साथ 4 गोलगप्पे मुफ्त में दे रहा था, मैं 3-4 पेल गया। गोलगप्पे से तेरा पेट दुखने लग गया? अरे जी जी, मुफ्त के छोड़ के थोड़ी आया, वो भी खा गया था मैं। गोलगप्पे मुफ्त के थे, तेरा पेट तो खुद का था ना। जीजा जान दे यार, मारे पेट में गैस बंद थी से, समझ जा। तुम दोनों माँ बेटों ने जीना हराम करके रख दिया मेरा। दिन भर मुफ्त का खाते हो, शाम को गैस बना के मेरा दरवाजा तोड़ने के लिए आ जाते हो। खून चूस लिया दोनों ने मिलके। तुम दोनों से जान छुड़ा के जाता हूँ तो वो दादी जान खाने आ जाती है। मुझे क्यों बीच में लाता है? दादी मन्ना माफ कर दे, मारी कोई गलती नहीं सर। गलती है? मैं तेरे पेट में केस बनती, वरना मुझे ताने सुनने पड़ते। अरे दादी तेरे टूथपेस्ट कह दे रहे मेरे दादी।
दामाद से कि आज अगर ये बीच में नहीं आया होता तो मेरे भोपू का भोपू नहीं बज रहा होता। आपके खानदान में सारी सास ऐसी है क्या? दामाद के कमरे में घुसने को तैयार एकदम। अब आ जाना मेरे कमरे में चूरन लेने। अरे दादी।